हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। और मैं आपको खूब सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी, इतना जल्दी आप लोग सपोर्ट किए कि हम लोग का व्यू और सब्सक्राइबर्स इतना ज़्यादा होने लगा। और मैं, पता है गाइस, आज मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा सीख थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन फिर अभी सामने बोली कि चलो यार एक व्लॉग बनाना है, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस लोग भी है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मैं भी अपने फैंस लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं जब भी कमेंट देख रही हूँ मुझे इतना अजीब लग रहा है कि मेरे फैंस, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ही उनके घर से आई हूँ, ऐसे मिस कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम दोनों अलग हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग को एक साथ देखने के लिए। सो हम लोग बहुत जल्दी एक साथ रहेंगे। थैंक यू गाइज। तो ये है गाइज मनी प्लांट, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में, एकदम ग्रीन ग्रीन सा। और ये मैंने ही लगाया है, कब का, जब शादी के कुछ दिन पहले का मैं लगा कर गई थी। और मैं आई तो देखी इतना बड़ा बड़ा हो गया, कितना क्यूट सा लग रहा है। और मैंने कुछ फ्लावर्स भी है जो मैंने लगाया है। सो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आज का ब्लॉग हम लोग किचन से शूट करते हैं डायरेक्ट, बिकॉज आई एम कुकिंग समथिंग। और क्या है, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, सोयाबीन अभी बॉईल कर रहा हूँ, और आई विल बी प्रिपेयरिंग सम सोयाबीन फ्राइड राइस, मैं आपको दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, आज का ये ब्लॉग इतना स्पेशल है कि मेरी इस ब्लॉग में कोई आया है मेरे घर पे। कौन आया है गेस कीजिए? अनिशा? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कि कौन आया है। दिखाऊंगा, थोड़ा सा सबर करें। और पहले मैं अपना इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। तो अब खाना बन के हो गया तैयार, और आप देखिए और इसकी शक्ल बताइए कैसी बनी हुई है जो मैंने बनाया। इट इज लुकिंग यम्मी, सोयाबीन फ्राइड राइस। और गाइस वर्स्ट पार्ट इज दैट कि मैंने इसको बनाया किस लिए था, मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं शेजवान डालेंगे, लेकिन शेजवान मसाला ही नहीं मिला, ना मैगी मसाला मिला, कुछ नहीं मिला। गर्म मसाला तक इनफैक्ट मुझे नहीं मिला किचन में, और सब लोग इधर उधर है, मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ही ट्राई करते हैं। सो मैंने पता क्या क्या डाला, सांभर मसाला वगैरह सब कुछ डाल के बना दिया। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। इसकी शक्ल कितनी यम्मी लग रही है, बाय गॉड मुझे तो खाने में मजा आएगा। सो गाइस दैट इज़ व्हाट आई हैव कुक्ड बाय माय ओन आफ्टर सो लॉन्ग। तो अब वक्त हो चला है कि मैं आप लोगों को आज का सरप्राइज दिखाऊं, और दैट सरप्राइज इज नन अदर देन लड्डू। सो गाइस लड्डू आज फाइनली घर में आ चुका है, और इसके आने से थोड़ी रौनक घर की बढ़ गई है। अब मनीषा को तो भाई थोड़ी सी उछल मच रही होगी कि मैं भी आऊँ ये लड्डू, और लड्डू मेरा लैपटॉप चलाएगा गाइस, और ये सारी वीडियोस वगैरह अपलोडिंग नहीं करने देगा मेरे को। तो फाइनली मेरा लड्डू, बेटा लड्डू हाई कर दो, बेटा जान हाई कीजिए, तो हाई करो, पहले हाई कर दो, हाई करो मामू लोग को, मासी लोग को, जल्दी हाई करो। फोटो खींच लेंगे, रो रो और रो, फोटो खींचते हैं तुम्हारा। हाँ, अरे ओए मामू का लैपटॉप, आमी तो पसीटा। सो गाइस पता है क्या आप लोगों को, लड्डू जनरली ज्यादातर घर में यहाँ जब भी आता है ना, तो सबसे ज्यादा मेरे पास ही रहता है ना लड्डू बेटा। उही अभी लड्डू रो रहा था, लड्डू को पानी से खेलना बहुत पसंद है, पानी में बस इसको जितनी देर बिठा दो आप, जितनी देर बिठा दो उतना देर पानी में बस बैठे रहेगा। जान हाय कर दो मामू लोग को एक बार, हाय कीजिए। उही हाय, हाय कर दो, हाय कर दो, इधर हाय करो, इधर इधर इधर, उही उही नहीं देख रहा अभी गाइस, इधर से देखो, हाय करो, हाय। So he feels very good, very much comfortable into my lap, my laddu.
और भी इसकी कुछ शरारतें दिखाएंगे। सो गाइज, लड्डू के बारे में एक बेहद खास चीज़ ये है कि ये अभी तक ना जाने कितने सारे सेलफोन्स को तोड़ चुके हैं। बताइए बेटा, कितने सारे फ़ोन तोड़ चुके हैं? एक आईफोन तोड़ा हुआ है आपने मम्मा का, एक और फ़ोन तोड़ा हुआ है अपनी नानी का, और फ़ोन तोड़ने में हमारे लड्डू थोड़े उस्ताद हैं। ओए भाई, ओ भाई साहब, नया नया फ़ोन है, ये भी तोड़ दिया होता भाई, कतई जहर। मतलब ये लड़का बिल्कुल ही खतरनाक हो रहा है, कतई खतरनाक। अरे स्माइल देखो। ओए भाई, ओ रे, दूसरी बार मेरी जान अटका दी थी इसने। नया नया नोट 10 ले आया मैं छोटू सा। चलो मामू लोग को हाय बोलो जल्दी फटाफट। ले लिया, ये वाला फोन भी तोड़ने वाला है गाइज। ये ही इज क्यूट, सो क्यूट गाइज। अगर ये क्यूट लगता है ना तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे इसके लिए भी, थोड़ा लड्डू को भी देख के बताया जाए कि लड्डू कितना ज्यादा क्यूट है। लड्डू बेटा, नो नो, मामू इज गेटिंग हॉट बेटा। तो गाइज, मैंने मनीषा को बोला भी था कि यार कुछ शूट वूट करो, ब्लॉग ब्लॉग बनाओ, ऑडियंस तो दोनों को देखना चाहते हैं। तो शी ट्राइड हर बेस्ट और उसने बोला कि यार मैं शूट कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा ब्लॉग क्या शूट करूँ, और लाइक घर में है, कहीं घूमने बाहर जा भी नहीं सकते हैं तो शूटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं, तुम घर के छत पे चले जाओ, वहाँ से अपना नज़ारे दिखाओ ज़रा, और वहाँ से क्या क्या अच्छा। इनके इनके एक्सप्रेशंस पहले आप लोग देख लीजिए गाइस, इनके एक्सप्रेशंस देखने बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि छत से कुछ नज़ारे शूट करके दिखाऊँ, तो शी वॉज़ लाइक कि चलो मैं छत के नज़ारे शूट करके आपको दिखाती हूँ। और उसने कुछ एक वीडियो भेजा है, उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे कि उनके वीडियोज़ भी कैसे लगे। आज मैं सबसे अपने घर की सबसे ऊपरी छत पे चढ़ी हूँ और मैं दिखाऊंगी आज सबसे बड़ा मेढक जो मेरे घर में रहता है उसको मैं दिखाऊंगी। मुझे पता है कि आप लोग देख के आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। गाइस, ये दोनों मेढक लोग का मुंह दोनों तो देखिए गाइस, ये मैं आज छत पे चढ़ी हूँ और मैं अपने छत पर से दिखा रही हूँ। ये सारी इतने खूबसूरत, एकदम नेचुरल है, एकदम फील्ड टाइप का। इधर ही पहले मैं जाया करती थी घूमने के लिए, और ये मेरे छत पर से इतने सारे घर और ये रहा मेरे घर के पीछे का बैकग्राउंड। कैसा लगा आप लोग को प्लीज कमेंट करिएगा। मैं भी आई हूँ आज तो आप लोग प्लीज बताइएगा कि एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू। सो गाइज, एट द एंड मैं आप सभी से ये कहूँगा कि मैं यहाँ पे हूँ और वो वहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज एक ब्लॉग बनाने में, कसम से, बाई गॉड। मतलब आप लोग जो लोग शूट करते होंगे उनको पता लग जाता होगा कि यार एक थोड़ा सा एक क्वालिटी लेंथ वीडियो रखने के लिए हमें कितना ज़्यादा लाइक हार्डवर्क करना पड़ता है, उनकी वीडियोस को लेना, फिर अपनी वीडियोस को ज्वाइन करना वगैरह वगैरह। और आप लोगों का कमेंट आता है कि वीडियो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, सो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को और मन करता है देखने के लिए, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आप लोग तो हमारे खैर फैमिली मेम्बर से कोई कम हो नहीं, और अपनी फैमिली वालों को देखने के लिए हर कोई चाहता है कि भाई उसे देखते रहो। और इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया वाकई में हमारे लिए तो बहुत मायने रखता है। और गाइज़, मनीषा को मैं कंटिन्यूसली बूस्टअप करते रहूँगा ताकि वो भी धीरे 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 एक दिन एक अच्छी यूट्यूबर बने और वीडियो शूट्स करती रहे, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और डेफिनेटली वीडियो शूट्स करने से बहुत सारी चीज़ें, कैमरा के सामने बोलने से, शी इज़ लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखेगी भी। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस ऐसे ही पसंद आती रहेंगी। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को हिट कर दें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोग तक आई। और बस इतना ही और कुछ नहीं, कभी अलविदा ना कहना इसलिए अलविदा नहीं कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। Thank you.
हूँ।